दो कोवर्कर्स एक दूसरे के साथ अजीब टाइप के गेम खेलने लग गए थे। प्रॉब्लम तब आई जब इनकी करीबियां बढ़ने लग जाती है। क्या सारी चीजों के बावजूद एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे, ये हम आज के हमारी मूवी लव एंड लीशेस 2022 की एक कोरियन रोमांटिक कॉमेडी मूवी में देखेंगे। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में हमारे दोनों कैरेक्टर्स के नाम सेम थे और इसी वजह से हम इसे के और क्रीम बुलाएंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर क्रीम हमसे कहती है, हर एक रिलेशनशिप में एक ऑर्डर देने वाला होता है और एक ऑर्डर लेता है, कोई भी रिलेशनशिप इक्वल नहीं होती। उसके ऑफिस में आज एक नया एम्प्लॉय असाइन हुआ था, इसका नाम है के। उनका मैनेजर के को सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता है। कंपनी के प्रमोशन के लिए ये लोग एक यूट्यूबर के साथ काम करने वाले थे। क्रीम कहती कि उसने कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बोल दी थी, अगर हम उसे हायर करेंगे तो हमें ट्रबल हो सकता है। क्रीम का एक्सप्लेन करने का तरीका मैनेजर को अच्छा नहीं लगता, पर जब के ने उसे एक्सप्लेन किया तो बहुत ही पोलाइट था और इसी वजह से मैनेजर मान गया। के के ऑफिस में आते ही सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। मैनेजर के कमेंट जरा उठपटांग होते हैं, पर के ने उसे अच्छी तरीके से हैंडल करना सीख लिया था। सारी लड़कियां भी के पीछे पड़ गई थी। क्रीम की फ्रेंड उसे कहती है कि क्या तुम्हें वो भी अच्छा नहीं लगता। क्रीम ने कहा कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। के क्रीम के पास आकर कहता है कि तुमने जो सजेशन दिया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसके लिए उसने उसे थैंक यू कहा। किम की फ्रेंड कहती कि अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए तुम्हें जरा स्माइल करना चाहिए, उसे रिझाने की कोशिश करना चाहिए। घर आकर क्रीम मदर से बात कर रही थी तो मदर कहती कि उसने तुम्हें डेट के लिए पूछना चाहिए। क्रीम कहती कि आजकल तो जमाना बदल गया, मैं खुद उसे डेट के लिए पूछ सकती हूँ। अगले दिन के जब काम पर आया तो क्रीम ने ऑलरेडी उसका पार्सल ले लिया था क्योंकि उनके नाम सेम है। ये देखकर के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी से के पास आया, पर तब तक उसने उसे ओपन कर लिया था। पार्सल में एक कॉलर थी और उस पर एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। ये एक टॉय था और जल्दी से के क्रीम से ले लेता है। उसने कहा कि मेरे डॉग की कॉलर है। क्रीम ये बात मान के और उसे बॉक्स नीचे गिर गया जिसमें एडल्ट मैगजीन थी। ये एक्चुअल में किसकी कॉलर है उसे पता चल जाता है। इस सबसे के बहुत ही वरीड हो गया था। उसके कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स थे जिनसे वो बात करता है। उन्होंने कहा कि ऑफिस में इसके बारे में किसी और को पता चलता है तो तुम फायर भी हो सकते हो। कोई और कहता है कि शायद क्रीम को वो सब चीजें पता, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। रात में क्रीम जब रनिंग कर रही थी तो इसी टाइप के एक शॉप से गुजरती है। इसमें वो इमेजिन करती है कि जैसे के उसके पास है। अगले दिन के क्रीम के सामने आने से भी डर रहा था, वो एक टॉय पहन लेता है। वो नीचे गिर गया और क्रीम उसे हेल्प करती है। उसने कहा कि तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो। के सर पर जरा चोट आई थी तो उसे हॉस्पिटल लेकर गई। के कहता है कि तुमने जो भी देखा है किसी को भी बताया नहीं, इसके लिए थैंक यू। क्रीम कहती कि मैं भी ऐसे ही हूँ। के ने कहा कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें भी ये सब चीजें पसंद होगी। क्या तुम मेरी मास्टर बन सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। क्रीम ने कहा कि मेरा ये सब कहने का मतलब नहीं था, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मैं लोगों को ज्यादा जज नहीं करती। पर अब केक के बारे में उसे सब कुछ पता चल गया था। इस सब के बारे में वो रिसर्च करने लग जाती है। उसे किसी न किसी से तो बात करनी थी। उसकी कैफे में एक फ्रेंड थी जिसका नाम था हाइमी। उसे कहती कि अगर तुम किसी को लाइक करती हो और वो पर्सन बहुत ही अजीब और गरीब चीजों में इंटरेस्टेड है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। हाइमी ने कहा कि अगर तुम कंफर्टेबल हो तो ओपन माइंड से सब कुछ ट्राई तो कर ही सकती हो, सामने वाले पर्सन को भी तुम्हें जरा टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट डे इनका ऑफिस का एक इवेंट था जो बहुत ही अच्छा गया और रात में सब मिलकर डिनर कर रहे थे। इनका बॉस जिस तरीके से बात करता है इसकी क्रीम को घिन आई और इसके बारे में बोल देती है, पर के को लगा कि वो उसी के बारे में बात कर रही है। दिन भर ये दोनों एक दूसरे से जरा दूर थे तो के को बहुत बुरा लगता है। पार्किंग लॉट में जाकर वो रोने लग गया। उसने कहा कि अगर तुम्हें मेरी घिन आती है तो मैं तुमसे दूर रहूंगा, मैं मेरा डिपार्टमेंट भी ट्रांसफर कर लेता, पर इतनी जल्दी मुझे ट्रांसफर मिलेगा नहीं। मुझे ये सब चीजें पसंद है, उस वजह से मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। क्रीम ने कहा कि मैं तुम्हें हेट नहीं करती, मुझे लगा कि तुम जरा अनकंफर्टेबल हो और इसी वजह से मैं तुम्हें जरा स्पेस दे रही थी। के फिर से पूछता है कि क्या तुम मेरी मास्टर बनोगी। क्रीम इसके लिए मना कर देती है। ऑफिस की सब लड़कियां के पीछे थी। क्रीम की फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा वरना तुम्हारे हाथ से वो चला जाएगा। क्रीम के को मैसेज कर कहती है कि मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में मिलो। उसने उसे आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा। क्रीम पूछती है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी मास्टर बनूं। के कहता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, बाकी लोग क्या सोचते हैं इससे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सबको अच्छी तरीके से ट्रीट करती हो, ये सारी चीजें उसे बहुत ही अच्छी लगती है। क्रीम ने कहा कि इन सब चीजों के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है पर मैं इसके बारे में जरा सोचूंगी। के इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि तुम बेस्ट हो। क्रीम ने उसे 30 सेकंड के बाद मास्क निकालने के लिए कहा, पर के तुरंत निकाल लेता है। कहा कि अब तक तुम मेरी मास्टर बनी नहीं हो। इवनिंग में ऑफिस के बाहर बारिश चल रही थी तो के उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है।
क्रिम पूछती है कि क्या तुम रोमांटिक मूवीज की तरह कर रहे हो। के ने कहा कि अगर तुम मास्टर बनोगी तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सर्व करूंगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। उसे फिर छाता लेकर उसके पीछे पीछे चलने का ऑर्डर कर दिया। घर जाकर क्रिम ने फिर बहुत सारी रिसर्च की। उसे पता चला कि इन दोनों में जो भी रिलेशनशिप है ये सिर्फ ऑर्डर देने की और ऑर्डर लेने की हो सकती है। कुछ लोग आगे बढ़कर इसमें रोमांस भी इंक्लूड करते हैं तो ये भी फाइन है। रात में उसे सपने आते जिसमें वो केक के करीब थी। ऑफिस में उसने कैसे कहा कि हम लोग 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, अगर तुमने मेरी ऑर्डर नहीं मानी तो मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। इस तरीके की अरेंजमेंट क्रिएट करना ये सब वो इंटरनेट से ही सीखी थी। ये भी बोला गया था कि गिफ्ट देने चाहिए, तो क्रीम ने केक को स्पेक्स गिफ्ट किए। वह थी कि जब भी ऑफिस में तुम्हें मुझसे ऑर्डर की जरूरत होगी तो इसे पहन लेना, मैं समझ जाऊंगी तुम्हें मेरी जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा गया अगर दोनों सहमत हो तो वो इंटीमेट हो सकते हैं। क्रिम ने कहा कि मैंने ये सब इंटरनेट पर देखा था, तो के कहता है तुम्हारी मर्जी के अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद एक होटल बुक करते हैं। के पास जो पट्टा था यही वो लेकर आया। के कुछ भी कहने से डर रहा था पर क्रिम उसे पट्टा पहना देती है, कहा कि डॉग की तरह प्रिटेंड करो। अपने हाथों से उसे डॉग फूड खिलाती है। दूसरे कमरे से कपल्स की आवाजें आ रही थी तो उन पर वो बहुत भौंकता है। वो अपने रोल में ज्यादा ही घुस गया था। इनके आज की अरेंजमेंट उतनी अच्छी गई नहीं। अगले दिन के अपने मैनेजर पर जरा गुस्सा हो गया क्योंकि वो बातों को उतना ज्यादा सीरियसली लेता नहीं था। क्रीम ने कैसे बात की और कहा कि कल रात के लिए सॉरी, मैं उसके लिए ज्यादा प्रिपेयर नहीं थी। के कहता है कि अगली बार मुझे प्रिपरेशन करने दो। नेक्स्ट डेट पर उसे डिनर करने के लिए लेकर आया। कल क्रीम का बर्थडे था पर आज ही उसके लिए केक लेकर आता है क्योंकि उसे विश करने वाला वो फर्स्ट बनना चाहता था। उसके लिए एज अ गिफ्ट हिल के सैंडल लेकर आया। कहता है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। जैसे क्रीम ने इंटरनेट पर देखा था तो उसे पूछती कि क्या मैं तुम पर चल सकती हूँ। उस पर चलकर उसे पनिश कर दिया। घर आते वक्त के कहता है मैं सबके सामने प्रिटेंड करता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब करते वक्त सारा कंट्रोल लूज कर देना, ये चीज़ उसे अच्छी लगती है। क्रीम जरा कन्फ्यूज थी कि क्या उसे अपनी प्राइवेट लाइफ और काम ये दोनों चीज़ें अलग अलग रखनी चाहिए। इनके ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ था तो उसे ट्रेनिंग की जरूरत थी। मैनेजर कहता है कि क्रीम ये बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है। जिस तरीके से क्रीम केक को ऑर्डर करती है उसी तरीके से इस नई लड़की को भी ऑर्डर देने लग गई। ये बात केक को अच्छी नहीं लगती। इन्होंने इनके गेम्स तो कंटिन्यू किए थे पर केक को इनसिक्योर लगने लग जाता है। एक दिन केक के सामने वो नए एम्प्लॉय पर जोर से चिल्लाई। के उस एम्प्लॉय से बात करता है। उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम उससे बात कर सकते हो। इस तरीके से क्रीम का तुम्हें ट्रीट करना अच्छी बात नहीं है। वो नया एम्प्लॉय कहता है कि वो मुझ पर चिल्लाती मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इस बात से के और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने क्रीम को मैसेज किया और ऑफिस में सबके जाने के बाद भी रुकने के लिए कहता है। के ने कहा कि उस एम्प्लॉय को इस तरीके से तुम्हारी ऑर्डर देना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्रीम इस बात पर गुस्सा होने का प्रिटेंड कर दिया और वहीं पर उसे पनिश करने लग गए। इनके खेल खेल में पूरे ऑफिस को बर्बाद करने लग गए। वॉचमैन कुछ आवाज़ सुनकर वहां पर पहुंच गया तो दोनों नीचे ही छुप जाते हैं। दोनों को इसे बहुत अच्छा लगा था। रात में क्रीम इमेजिन कर दी कि के साथ इंटीमेट होना कैसा होगा। के हमेशा अपना सारा रूटीन क्रीम को भेजता रहता था। एक दिन जब वो एक साथ थे तो के की एक्स गर्लफ्रेंड का उसे कॉल आ रहा था। के ने कहा कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेट करती है पर फिर भी उसके कांटेक्ट में हुए। क्रीम पूछती कि क्या तुम्हें ये सब दर्द पसंद है। के ने कहा कि मुझे इससे जिंदा महसूस होता है। क्रीम कहती कि जिस पर्सन को आप लाइक करते हो अगर उन्हें इतना अच्छा लगता है तो इसके लिए आप इसे एक्सेप्ट कर ही सकते हो। एक दिन क्रीम हाइमी से मिलने के लिए गई पर वो वीकेंड पर कहीं बाहर थी। हाइमी के साथ लिहान नाम का लड़का काम करता था। उसे वो बहुत ही अच्छी लगती थी पर अपनी फीलिंग्स वो छुपा रहा था। जिस तरीके से हाइमी के सामने वो बिहेव करता है इससे क्रीम को पता चल गया था कि उसे लाइक करता है। उसने कहा कि तुम्हें उसे कन्फेस कर देना चाहिए। केक की एक्स गर्लफ्रेंड उसे कॉल कर कहती है कि मैं तुम्हारे ही एरिया में हूँ, हम दोनों मिलकर लंच करते हैं। के कहता है कि मैं बिजी हूँ और उसे वो टाल देता है। आज के और क्रीम एक जगह पर डेट के लिए आए। क्रीम उन दोनों के हाथ एक हथकड़ियों से बांध देती है। उसने कहा कि आज पूरा दिन तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। हाइमी इसी एरिया में थी और उन दोनों को साथ देखती है। उसने कॉल करने की कोशिश की पर क्रीम उसका कॉल नहीं उठाती। सब लोग उसे छुपते छुपाते वैसे वो पूरे दिन घूमे। ऐसे ही वो एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। सब लोग उन्हें देख रहे थे पर उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हाइमी आज डेट के लिए आई थी पर वो लड़का उसे ऑनलाइन मिला था। उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। हाइमी ने क्रीम को कॉल कर दिया और बात करते करते अपनी लोकेशन वो बता देती है। ये उसे बचाने के लिए निकल पड़े पर उनसे चावी गुम हो गई थी। वैसे ही बंदे हुए के गाड़ी चलाता है और जल्दी से वहां पर वो पहुंच गए। डोर हाइमी ने ही खोला और तब तक उस लड़के को उसने बांध दिया था। जिस तरीके से के और क्रीम को गेम्स खेलना पसंद है उसी टाइप का गेम हाइमी और वो डेट पर जो लड़का आया था ये भी करने वाले थे। हाइमी डिस्टर्ब हो गई और कहती कि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं।
के और क्रीम में जरा ऑकवर्डनेस था, क्योंकि क्रीम ने कैसे पूछा क्या हम दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में रह सकते हैं। के ने इसके लिए उसे मना कर दिया था। के ने जब अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी सच्चाई बताई थी तो गर्लफ्रेंड ने कहा था क्या हमारी रिलेशनशिप पूरी तरीके से छूटती। उसे बहुत ही डिस्गस्टिंग लगा था। रिलेशनशिप्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसी वजह से के क्रीम के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आने के लिए डर रहा था। क्रीम हाइमी के पास अपना दिल हल्का कर रही थी, तभी लीहान हाइमी को प्रपोज कर देता है। हाइमी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मना कर दिया। ऑफिस में के और क्रीम के बीच में ऑकवर्डनेस हो गई थी। इनके 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट अगले वीक खत्म हो रहा था, तो क्रीम ने कहा कि लास्ट टाइम हमें मिलना पड़ेगा। ये दोनों इसके लिए रेडी हो जाते हैं, पर कैसे मिलने के लिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हाना आई। वो कहती कि मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, मुझे तुमसे बात करनी है। के ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। हाना कहती कि तुम्हारी वजह से किसी पर भी ट्रस्ट करना है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। के कहता है कि मैं भी हर्ट हूँ, मुझे भी लगता है कि लोग मुझे मैं जैसा हूँ वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाना कहती कि अगर तुमने अपना बर्ताव चेंज नहीं किया तो पूरी जिंदगी अकेले ही रहोगे। हाना को के घर से निकलता हुआ क्रीम ने देख लिया। वो के से पूछते कि क्या तुम दोनों में पैचअप हो गया। के कहता है कि वो अब भी मुझे हेट करती है। क्रीम ने कहा कि जिन्हें तुम लाइक करते हो उन्हें ही तुम हेट कर सकते हो। इसके बाद अपना गेम स्टार्ट करते हैं और क्रीम ने उसे बांध दिया। इसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने लग गई। क्रीम रियलाइज करती है कि के ना कहने के बावजूद भी ये सब वो नहीं कर सकती। उसे सॉरी कहकर जाने लग गई। के कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो, मैं बहुत डरता हूँ कि हमारे रिलेशनशिप को मैं हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा, इसी वजह से मैं तुम्हारे करीब आने से बहुत डर रहा हूँ। क्रीम को अपसेट देखकर उसकी मदर ने कहा हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। के को बहुत बुरा लग रहा था। वो भी हाइमी के पास आकर ही अपने सब कुछ प्रॉब्लम उसे बता देता है। उसने कहा कि मुझे क्रीम को ये सब करने के लिए बताना ही नहीं चाहिए था। हाइमी कहती कि ये सब उसकी चॉइस थी, तुम उसे इस तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि क्रीम के अंडर एक एम्प्लॉय काम कर रहा था, उसे जो भी वो इंस्ट्रक्ट करती थी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता था। एक रात उसका रिकॉर्डर ऑफिस में रह गया था और उसी रात के और क्रीम ने ऑफिस में तबाही मचाई थी। ये सारी रिकॉर्डिंग उसे मिल गई। वो क्रीम को ये रिकॉर्डिंग ईमेल करता है और कहता है कि केयरफुल रहना, पर गलती से इस ईमेल में उसने सारे ऑफिस के एम्प्लॉय को भी टैग कर दिया था। सबको इसके बारे में पता चलने के बाद इन पर इंक्वायरी लगाई जाती है। के को जब ये बात पता चली तो क्रीम से बात करने की उसने कोशिश की। क्रीम की मदर ने कहा कि अगर उसे तुमसे बात करनी होती तो कर लेती। के को बहुत बुरा लगा। इंक्वायरी में उनसे पूछा जाता है कि तुम दोनों में रिलेशनशिप क्या है। के ने सब कुछ सच सच बता देता है। सब लोग हैरान थे कि के और क्रीम एक दूसरे को लाइक नहीं करते, पर के ने कहा कि मैं क्रीम को बहुत लाइक करता हूँ, उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, और उसी जगह पर वो उसे प्रपोज कर देता है। उसने कहा कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, तुम मेरे लाइफ में आए, ये मेरा ही लक था। क्रीम ने भी ये सब एक्सेप्ट कर लिया। वो दोनों हंस रहे थे तो के कहता है कि अभी अभी हमारी जॉब चली गई, फिर भी तुम हंस क्यों रही हो। क्रीम कहती है कि मेरे पास एक तरीका है, हमारा जॉब वापस आ सकता है। जिस एम्प्लॉय की डिवाइस से ये सब रिकॉर्ड हुआ था उसी दिन सब लोगों की भी रिकॉर्डिंग हुई थी। उसमें ऑफिस में जो भी सब अफेयर चल रहे इन सब के बारे में उन्हें पता चल गया। उनके मैनेजर का भी एक एम्प्लॉय के साथ अफेयर चल रहा था। जब ये सब रिकॉर्डिंग लीक होती है तो सबको तो फायर नहीं कर सकते, तो उन्हें अपनी जॉब फिर से वापस मिल गई। लीहान का लगाव देखकर एक दिन हाइमी उसके साथ डेट पर आने के लिए मान गए। के और क्रीम फर्स्ट टाइम एक नॉर्मल डेट पर आए और स्लोली स्लोली अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।